सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आप लोग देख रहे हो आपका अपना ये चैनल एगीटेक पॉइंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। बेसिकली मैं एक बात बता देता हूँ, अगर पीछे बैकग्राउंड में कोई टिम 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 यानी पानी बरसने की आवाज़ आ रही है तो आप लोग सही सुन पा रहे हो। यहाँ पे जो कि वो बाहर बारिश हो रही है और मैं इस टाइम बारिश में बैठा हुआ हूँ। अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आती है यार, उसको कैंसिल करना अपने दिमाग और माइंड के अंदर से, और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर जो कि वो कॉन्सेंट्रेट करना। तो भाई देखो, बहुत से लोग मेरे को बोल रहे थे कि भैया जो है आपकी जो वीडियो है, जो आप वीडियो गेम्स बताते हो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहती है यानी जो आपकी वेबसाइट है उस पर मेरे को GTA San Andreas Lite GPU माली नहीं मिल रहा है। यानी मैं माली वर्जन की बात कर रहा हूँ GTA San Andreas Lite के बारे में। तो बहुत से लोगों को वेबसाइट भी नहीं मिलती और बहुत से लोग वेबसाइट भी नहीं ओपन कर पाते हैं। ऐसे बहुत से ज़्यादा डाउट चूँकि वो आ रहा है, तो मैं आपको इसी जो डाउट है वो मैं आप लोग को क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं आप लोग को अपनी वेबसाइट के अंदर भी जाऊँगा और आपको मैं वहाँ पर जो गेम्स भी दिखाऊँगा, ठीक है, और वहाँ पर आपको GTA San Andreas Lite भी बता दूँगा किस तरीके से आप लोग की जो कि उसको डाउनलोड करना है। और अभी मैंने अपनी वेबसाइट से बहुत सारे गेम्स जो कि वो डिलीट करे हैं क्योंकि मेरी वेबसाइट बार बार जो कि वो क्रैश हो रही थी और मेरे को वापस से ज़्यादा अपलोड करना है वहाँ से, ठीक है। तो देखो, जब वेबसाइट पर आप लोग डालते हो ना, यहाँ पर जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जब आप लोग तो वेबसाइट पे आप लोग डालते हो ना, तो वेबसाइट पे आप लोग एक डाउनलोड बटन दिया है तो उसके ऊपर उसके बारे में लिखना रहता है तो बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अभी तो वेबसाइट को वापस से रीन्यू करने में। तो वैसे रीन्यू तो ही है दोबारा से जो कि वो ब्लॉक जानने में तो टाइम लगेगा उस तरीके से। तो अभी कौन है यार, कोई मिक्चर हो है ना, तो मतलब टाइम लगेगा। तो मेरी ड्राइव लिंक में सब है तो आप लोग को वहाँ पर जो है जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे आपको सारी ड्राइव लिंक्स मिलने वाली हैं। तो जो जो स्टेप्स है वो मैं आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जाके दिखाने वाला हूँ। तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दो क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो क्या, चलो चलते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर और मैंने जैसा बोला आप लोगों को कि आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट देख लेनी है क्या क्या उस पर लिखा हुआ है, यानी आप कॉपी भी कर सकते हो और जो है आप देख भी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। माइंड आपका इतना ज़्यादा बड़ा है जिसमें आप तुम लोग जो कि उसको सेव कर लो, ठीक है। और उसके बाद देखो, मैं मेरे को याद है वेबसाइट तो मैं डाल रहा हूँ खुद आप लोग के सामने, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर डालना है AK Tech Point address.blogspot.com कुछ इस तरीके से आप लोगों को डाउनलोड मतलब लिख देना है, ठीक है। आप लोगों को सिंपली इसको सर्च जो कि वैसा कुछ कर देना है, ठीक है। डायरेक्टली देखो, ये मैं क्रोम पे खोल रहा हूँ तो इसलिए डायरेक्टली जो कि वो मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, कुछ पोस्ट मैंने जो कि वो डाले हुए हैं और अभी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं तो देख लो। एक GTA 5 इंस्टॉलेशन की वीडियो है तो आप लोग को इस पर जाना है, ओपन करना है तो डैडी ये यूट्यूब पे ले जाएगा, तो मेरे को भी यूट्यूब का कोई काम नहीं है। यहाँ पे देखो बोल रहा है GTA San Andreas Car and Bike Modes डाउनलोड, ओपन दी पेज। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो GTA Vice City Stories पड़ी हुई है और यहाँ पे Amazing Spider-Man 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो San Andreas Lite दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे San Andreas Lite देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिख जाती है। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग को जो है सब्सक्राइब का बटन दिख जाता है। आप मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे मैं कोई नया अपडेट्स डालूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो मैं आप लोगों को पहले जो है GTA San Andreas Lite माली वर्जन है तो इसको ज़रा ध्यान से देखना कैसे डाउनलोड करना है। इस पर आपको सिंपली ऐसा क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बोल रहे हैं ना, क्लिक हियर टू डाउनलोड डेटा एंड क्लिक हियर टू डाउनलोड APK। तो मैं जो है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसा कुछ है तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा APK पे। तो यहाँ पे जो कैसे मैंने टैप कर दिया, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है किस ID से जो कि वो डाउनलोड करना है। देखो मेरे को ऐसे कैसे डाउनलोड करना है, अब देखो ये ओपनिंग गूगल ड्राइव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बस इतने ही से काम करने थे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी गेम जो कि वो चला दी जाएगी। और बस इसी तरीके से, और बाकी जो अगर आप लोगों को मतलब और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बस इसी तरीके से कुछ डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद अगर आप लोग का गेम नहीं चलता है तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि देखो मैंने जो ये गेम यहाँ पे डाली हुई है ना,
तो जो यहाँ पे मैंने गेम डाली हुई है इसमें पासवर्ड पड़ा हुआ है, तो आप लोग मेरी जो कि वो वीडियो चेकआउट करो। इसमें एक वीडियो जो सबसे पहली वाली होगी नीचे से चेकआउट करना, सबसे लास्ट से जो पहली वाली वीडियो होगी उसी में उसका जो कि वो पासवर्ड मैंने दे रखा है, सो जाके चेकआउट कर लो। और क्या, अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वो भी करो, क्योंकि मैं ऐसे नए लेटेस्ट वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को जितना फैला सकते हो फैला दो, क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं। सो बाय बाय।